أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah the most merciful and most mighty So in today's lecture I would like to discuss a new topic which is called a software Software kya hai what is a software Software it is that part of the system which cannot be touched but it can be seen only ye system ka wo hissa hai जो जिसको सिर्फ देखा जा सकता है सिर्फ देखा जा सकता है और कंप्यूटर के इस हिस्से को हम फिजिकली जो है टच नहीं कर सकते सो इसकी डेफिनेशन क्या है दैट पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच Can't be touched and it can only be seen. ठीक है ये कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिसको सिर्फ हम देख सकते हैं इसको हम टच नहीं कर सकते ठीक है या इसकी डिफिनेशन क्या है सॉफ्टवेयर और द computer instruction which is used to handle or to manage all the resources of the computer process user commands and give output ya ye hum ye keh sakte hain ki ye computer instruction hai jo kya karte hain user commands lete hain fir isko process karte hain aur iske baad ye output deta hai theek hai तो हम ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या है इंस्ट्रक्शन है कंप्यूटर कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस ये क्या है कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस है जो जिसकी वजह से कंप्यूटर एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर रन होता है एक्चुअली कंप्यूटर जो है इट इज़ नथिंग द होल मेन रोल प्ले बाय द सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में सबसे अहम हिस्सा सॉफ्टवेयर भी है क्योंकि सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर जो है कुछ खास रोल परफॉर्म नहीं करता ठीक है फिर सॉफ्टवेयर के फॉर एग्जांपल हमारे साथ वर्ल्ड प्रोसेसर एमएस वर्ल्ड ये एक सॉफ्टवेयर है ठीक है फिर सॉफ्टवेयर में कौन सा सॉफ्टवेयर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है इस तरह माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे साथ ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हमारे सिस्टम को रन करता है इसके साथ स्प्रेडशीट्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक स्पेसिफिक पर्पस डेटाबेस के लिए इस्तेमाल होती है इसके साथ साथ यूटिलिटीज ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ठीक है डेटाबेस की अपनी ही सॉफ्टवेयर है देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट दी टाइप्स ऑफ द सॉफ्टवेयर सो सॉफ्टवेयर इज दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच कैन नॉट बी टच बट इट कैन ओनली बी सीन ठीक है और इट इज आर दोज कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन विच इज यूज टू control or manage all the resources of the computer process user command and give output so this was the brief description about the software now what is hardware ki acha ji ab aate hain hardware ki taraf hardware kya hai hardware jo hai it is that part of the computer it is that physical part of the computer the physical part of the computer is called hardware यानी जो एक्चुअल कंप्यूटर है जो कंप्यूटर के जो फॉर्ट्स हैं ये हार्डवेयर कहलाता है ठीक है सो इट इज़ दैट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी सीन एंड टच्ड डेफिनेशन क्या है दैट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विच कैन बी
can be seen and touched. It is that part of the computer which can be seen and touch. इसको देखा भी जा सकता है और इसके साथ touch भी किया जा सकता है, ठीक है? और we can define it the physical components of a computer system. The physical components of a computer system, जो भी फॉर्स है कंप्यूटर के जितने भी हिस्से आप देखते हैं वो क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर. ठीक है, अंडरस्टैंड? Now, what are the main examples of hardware? There are a lot of examples of the computer hardware. For example, all input devices or output devices comes in the category of hardware devices. Jitni bhi input devices aap dekhte hain, input/output devices, ye sari ke sari jo hai, ye kya hai? Hardware hai. For example, input mein hum माउस की तरफ आते हैं, ठीक है? माउस जो है ये एक हार्डवेयर है, क्योंकि हम माउस को देखते हैं, इसके साथ इसको टच भी कर सकते हैं, तो ये क्या है? हार्डवेयर है. कीबोर्ड जो है हमारे साथ, तो ये भी एक हार्डवेयर है, ठीक है? मॉनिटर को आप देते हैं, मॉनिटर क्या है? एक हार्डवेयर है. प्रिंटर भी हमारे साथ एक हार्डवेयर है, ठीक है? रैम को देखिए आप, रैम टच भी कर सकते हैं और देख भी, एक हार्डवेयर है. आप कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स देखते हैं और इसको टच करते हैं, टच का लफ्ज बहुत ज़रूरी है, विच कैन बी टच्ड. हियर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दोज पार्ट्स विच कैन बी टच्ड आर कॉल्ड हार्डवेयर. सो दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द प्लॉटर्स. जितने भी प्लॉटर्स आप देखते हैं, प्रिंटर्स हैं, मदरबोर्ड है, ठीक है, प्रोसेसर है, ये सारे के सारे क्या हैं? हार्डवेयर डिवाइसेस है. सो हार्डवेयर जो है ये कंपोनेंट्स हैं, ये फिजिकल इक्विपमेंट्स है जिसको रन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है. हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर इज नथिंग. हार्डवेयर जो है सॉफ्टवेयर के बगैर कंप्यूटर में इसका कोई रोल नहीं है. जब हार्डवेयर से सॉफ्टवेयर को रिमूव कर दिया जाता है तो ये फंक्शनलेस हो जाता है, इसका फंक्शन ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है? इसके एग्जांपल सॉफ्टवेयर की एग्जांपल जो है हार्डवेयर में, जस्ट लाइक दी हार्ट, दिल की होती है. दिल जिस तरह दिल जो है सॉरी बॉडी को कंट्रोल करता है, ब्लड सर्कुलेशन को कंट्रोल करता है, इसी तरह सॉफ्टवेयर जो है ये सॉरी कंप्यूटर को कंट्रोल करता है. विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इज नथिंग, ठीक है? नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट हार्डवेयर. सो हियर वी विल नाउ डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. अब आते हैं सॉफ्टवेयर की टाइप्स के बारे में. सो देयर आर बेसिकली टू मेन टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. सॉफ्टवेयर की कितनी किस्में हैं? टू, TWO. There are two main types of software. The first one is the application software and the second one is the system software. ठीक है, दो सॉफ्टवेयर हैं हमारे साथ, application and then system software. पहले आते हैं system software की. So system software is that part of the software which is used to manage all the resources of computer, process user command and give output. ये सॉफ्टवेयर का वो हिस्सा है जो हमारी सॉरी रिसोर्सेज को मैनेज करते हैं, ठीक है? यूज़र कमांड्स को प्रोसेस करते हैं और इसके साथ साथ आउटपुट भी देते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है? इंटरप्रेटर क्या है? सॉफ्टवेयर. यूटिलिटीज, ठीक है? इसके साथ साथ यूटिलिटीज के साथ साथ हमारे साथ और भी सॉफ्टवेयर हैं जो
क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बेसिकली ये क्या करते हैं? हार्डवेयर को रन करते हैं। टू रन दी हार्डवेयर, टू रन दी हार्डवेयर, ये हार्डवेयर को रन करता है। हार्डवेयर के बगैर, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बगैर हार्डवेयर कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। जिस तरह ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर कंप्यूटर एक बॉक्स की तरह है जिसका कोई भी फंक्शन नहीं होता। इंटरफेटर, यूटिलिटीज़, ये सारे किस में आते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर आते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, ये वो सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए इस्तेमाल होते हैं। दैट सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक पर्पस। फॉर एग्जाम्पल, हमारे साथ वर्ल्ड प्रोसेसर है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड प्रोसेसर। ये क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर एक स्पेसिफिक फंक्शन है। हम डॉक्यूमेंट्स इससे क्रिएट करते हैं, टेबल इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट शीट, एक्सेल जिसे कहते हैं, एक डेटाबेस है। ये क्या है? ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, डेटाबेस क्रिएशन के लिए इस्तेमाल होती है। इस तरह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर जो बैंकों में इस्तेमाल होते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं जो बैंक पर्पस, अपने ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल गिव डिटेल ऑफ दीज टाइप्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।